जय श्री राम मित्रों, आइए अपने ब्लॉग के माध्यम से आज आप लोगों को राम जन्मभूमि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रामलला के पक्ष में निर्णय सुनाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 अगस्त 2020 को रामलला मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्य किया गया। जनवरी 2021 में खुदाई का कार्य आरंभ हुआ। मार्च 2021 में खुदाई का कार्य पूरा हुआ। अप्रैल 2021 में नींव की भराई का कार्य शुरू हुआ, जिसमें 48 परतें डाली गईं। हर परत की मोटाई 25 सेंटीमीटर है। राम मंदिर के निर्माण का कार्य L&T कंपनी को सौंपा गया है। जो कि लगभग 300 से 400 करोड़ की लागत से मुख्य मंदिर को निर्मित करेगा। सितंबर 2021 में नींव भराई का कार्य पूर्ण हुआ। टावर क्रेन लगाकर सितंबर से नवंबर तक मंदिर के आधारशिला की ढलाई का काम किया गया। नवंबर से प्लिंथ का कार्य शुरू हुआ, जो कि मार्च 2022 में पूर्ण हुआ, और इसी बीच जनवरी में मंदिर के खंभों का कार्य प्रारंभ हो चुका था। राम मंदिर तीर्थ न्यास के पूरे 67 एकड़ में फैले परिसर को विकसित करने में 1100 करोड़ की लागत आएगी। श्री राम जन्मभूमि का गर्भगृह 10.5 मीटर लंबा होगा। इसी गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। बत्तीस सीढ़ियां चढ़ने के बाद रामलला का दर्शन होगा। पूर्व दिशा में प्रवेश द्वार होगा। सुग्रीव किले से सीधा रास्ता रामलला के गर्भगृह तक पहुंचेगा। प्लिंथ की लंबाई लगभग 22 फीट होगी। दो क्रेनों के साथ लगभग 40 अभियंता और 250 श्रमिक राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में लगे हैं। अगस्त 2023 तक राम जन्मभूमि मंदिर बनकर तैयार होने की संभावना है। अभियंताओं का कहना है कि शायद ही भारत के किसी मंदिर के नींव के निर्माण में ऐसी तकनीकी का प्रयोग किया गया है। यह मंदिर बहुत ही भव्य होगा। जय श्री राम दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।